think somebody's stuck. पहाड़ों पे शायद अभी भी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। इवन यार लेके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, मतलब सुबह जब उठे पहाड़ों की चोटियों पे। तो अभी वैसे तो कह रहे हैं कि दो ही दिन का स्नोफॉल है, बट वी नेवर नो वाली कहानी है। तो देखो ये क्या होता है, आगे चलते हैं सोमोरीरी पे, क्या माहौल है। सोमोरीरी वाला रास्ता तो अभी खुला हुआ है, उसके अलावा हाले का भी देख लेंगे अगर लगेगा तो। ठंड ज़बरदस्त होगी एकदम से इधर, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज, ज़्यादा स्नोफॉल है कंपेयर टू जो कल हुआ था। तो पुलिस नहीं जाने दे रही है, एसपी साहब के ऑर्डर्स हैं कि नहीं जाने देना किसी को। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक कितना हो, कोई विजिबिलिटी हो ना हो, बंदा कहाँ फंस जाए, फिर दे डोंट नो कि कौन कितना प्रिपेयर्ड है, किसको पता, समझ रहे हो ना, किसको पता, हु नोस। और भाई साहब रोड, ओहो ऐसे रोड होंगे, ख़राब भी होंगे हम श्योर है, क्योंकि तभी 166 किलोमीटर के 4 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है। ख़राब भी होंगे रोड्स, ये रोड्स तो गजब है। और अगर आज हम सोमोरीरी या कहीं पे भी रात को रुकते हैं तो भाई साहब गाड़ी का सुबह जो हाल होगा वो बस हमें ही पता है। तो भाई अब हम हैं 125 किलोमीटर सोमोरीरी से, और ऊपर बर्फ़ गिर रही है और नीचे बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। और अब जैसे जैसे हम उधर की तरफ जा रहे हैं माहौल बदल रहा है सामने। तो अभी थोड़ा सा जैसे ही मैं टर्न करूँगा तो यू विल सी कि आगे थोड़ा सा अलग माहौल है। वो देखो नीचे की तरफ ही काफ़ी बादल शादल से दिखाई देंगे। देखो भाई क्या माहौल मिलता है। लेह मनाली हाईवे पे तो जाने नहीं दिया गया, क्योंकि शायद हो सकता है पासिस पे तो कई कई फीट बर्फ गिरी होगी तो निकला नहीं जा सकता। अगर हम किसी पास पे से निकले तो पक्का पक्का सीन मिलेगा पक्का। देखो अभी तो बहुत दूर है, 121 किलोमीटर्स, तो कहीं ना कहीं तो चढ़ेंगे। अब भाई साहब बूंदों की जगह स्नोफ्लेक्स आने लगे हैं स्क्रीन पे, कि आगे माहौल अलग है जैसा मैं बोल रहा हूँ। ये भीगे हुए थे यार लोग, कई सारे लोग रास्ते में हाथ दे रहे थे, तो ये लोग बोले दो लोग बैठ जाएंगे हम, अभी चोट मत खा लेना, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे। बोले जी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, ले चलो। देखो भाई बर्फ़ गिर रही है और पौधों का कलर बदल चुका है, तो ये ऐसे वाइट कलर के नहीं थे। भाई मेरा जो अनुमान है वो ये है कि कल जब मैं वापस आऊँगा इधर से तो इन रास्तों पे भी बहुत स्नो मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से आना पड़ेगा। उसके अलावा लेह मनाली हाईवे से जिससे मेरे को वापस जाना है उसको खुलने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि कल ही इतनी गिर चुकी है कि दो दिन से ट्रैफिक नहीं मूव कर रहा है, परसों से ही शायद गिर रही है इधर। और आज तो मेन डे बता रहे हैं कि आज मेन डे है स्नोफॉल का, तो
आज तो बहुत ज़्यादा फॉल होगा, तो उसके बाद में फिर क्लियरिंग स्टार्ट होगी, फिर वो कितने किलोमीटर की क्लियरिंग होगी, वी नीड टू सी। और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद भी वो ऐसे एकदम से मौसम खुल जाएगा, तो इट विल कीप ऑन हैपनिंग। भाई साहब उतरे बिना रहा नहीं गया, और अब आप देख सकते हो मेरी बॉडी पे भी फ्लेक्स आ रहे हैं अच्छे खासे, और भाई साफ करी थी तो ये भी अच्छी लग रही है, नो डाउट। पहचान में नहीं आ रही सही बताऊं तो भाई क्या बोलूं, क्या नज़ारा है, ऑसम। और जब गिरनी शुरू होती है तो यार कैमरे का मुंह भी तो उधर नहीं कर सकता, कैमरे भी गिरेगी तो ऐसे सुबह ये फिलअप हो जाएंगे जो होल से दिखाई दे रहा है। भाई क्या बोलते हो, क्या नजारे हैं, इधर की तरफ अच्छी पड़ी हुई है। पर अभी रुक गई आई गेस, क्योंकि अब कुछ आ नहीं रहा ऊपर से। अभी हम बर्फ को चीरते हुए पहुंच रहे हैं सोमरीरी, इतनी ज्यादा नहीं गिरी हुई, टायर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, जब ये बिल्कुल नई वाली के ऊपर भी चल रहे हैं। तो हम लोग अभी टू व्हील ड्राइव में हैं। ओहो, डांस 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 डांस, गाड़ी डांस करने लगी। मैं ये देख रहा हूँ टायर्स कितने ढंग से टू व्हील ड्राइव में भी चल पा रहे हैं स्नो के ऊपर, और नो डाउट यार फर्क तो पड़ता ही है बड़े ग्रूव के टायर्स और सेल्फ क्लीनिंग अगर अच्छी हो। अभी ये वो सेक्शंस आ गए हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश स्नो हमें मिलेगी, तो हम अभी भी टू व्हील ड्राइव में चल रहे हैं, बट गाड़ी डांस करने लगी है। देखो सामने से इनोवा आ रही है बहुत स्लो, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रही होगी स्नो को। अब मेरे ख्याल से खेल बहुत हो गया, लेट्स पुट द व्हीकल इनटू फोर व्हील ड्राइव। ये देखो भाई बिल्कुल फ्रेश स्नो,
एक बार टायर्स की कंडीशन देखें। देखो पीछे वाले टायर्स जो हैं वो भाई पावर में थे, तो कुछ भी नहीं है, टायर्स बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल खाली। और फ्रंट टायर्स क्योंकि पावर यूज़ नहीं कर रहे थे तो भरे हुए हैं। अब हम जैसे ही फ्रंट टायर्स के अंदर भी पावर डालेंगे, ये भी थ्रो करने लगेंगे स्नो को बाहर। तो भाई माहौल की बात करें तो माहौल है शानदार, कोई बात नहीं। ले मनाली नहीं जा पाए तो ये सही, बट गजब स्नो पड़ रही है। और क्या चिकनी होती है यार स्नो। और मुझे ध्यान ये देना पड़ेगा, मेरे जो जूते हैं, जूते मेरे वाटरप्रूफ नहीं है। सब मामला बदल चुका है, अब मेरे ख्याल से इधर भी आने नहीं देंगे जैसे अपडेट आएगी। अब आप देख सकते हो अगर ये टायर ना हो तो भैया ये यहाँ पे नहीं आया जा सकता था इतने कॉन्फिडेंस से। तो बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है, बहुत बढ़िया, तो ज़बरदस्त सिस्टम हो रखा है इधर। अब गाड़ी की फ्रंट में से शक्ल भी बदल चुकी है बिल्कुल, गर्म भी हो रही है। अच्छा जी, रेडिएटर पे क्या बर्फ जमी है या कुछ और हुआ है भैया, लेट्स सी। सब सफ़ेद हो चुका है सब कुछ, और हमें ये नहीं पता कि कितनी गिर जाए, लेट्स सी आगे चलते हैं। जूते धोखा देंगे जो देंगे, और तो सब चलेगा, मुझे लग रहा है जूते ही धोखा देंगे। तो भाई चले तो जा रहे हैं बट, पर यार अभी एक दो दिन की स्नो होगी, पिघल जाएगी, गिरती होगी इतनी तो इधर। तो होता है क्या है यार कि परसेप्शन चेंज हो जाता है। अब जैसे रोड तो ये रफ है बट स्नो की वजह से प्लेन लग रहा है, तो आपको लगता है कि अरे यार इतने मस्त रोड से भी अंडुलेशंस कैसे आ रहे हैं। अब तो कैमरा को भी दिखना बंद हो गया होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादा गिरेगी तो अपने को फिर रोड भी नहीं पता लगेगा कहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जब सब कुछ वाइट हो जाता है उस टाइम पे, मतलब समझ लो ना, आई साइट भी उतना अच्छी तरह से काम नहीं करती क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता ना किसी चीज़ में। तो अभी हमें सोमरूरी दिखा रहा है 43 किलोमीटर 1 आवर 22 मिनट्स। चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, बट बाहर इतना वाइट है कि उसकी वजह से अब मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ चल रहा है।
पक्षियों का झुंड आ गया है, भाई से भी कुछ पूछ लिया जाए आगे। ये जो डॉगी था ये इनका वो था, गोट्स का जो सेवियर होता है ना। और यार बहुत है यार इधर तो, ये देखो बहुत है, बहुत। हट जाओ, हट जाओ बेबी। अब बस यार रास्ता दिखता रहे, बाकी तो कर ही लेंगे। तो भाई कह रहा है कि आपको अभी सोमोरूरी पहुंचने में लग जाएंगे 3 घंटे, 3 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो भैया खतरा फिर इधर वही वाला मंडराएगा कि अगर किसी के आसपास नहीं रहे तो डॉग्स वाला, क्योंकि अब बर्फ गिर गई है, डॉग्स थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यार, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछना चाहे मैं कैसे चल रहा हूँ, तो जो फ्रंट अपना स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कंट्रोल रहे, इसलिए मैं 4 हाई में चल रहा हूँ, मैनुअल मोड गियर 2, जिससे कि मेरे RPMs थोड़े से हाई रहें और क्या बोलते हैं अपना जो कार्बन एमिशंस से जो DPF चोक हो जाता है वो इशू ना आए, क्योंकि फिर ये गियर हाई पे चलाएगी और कम RPM रहेंगे तो वो चांसेस हो सकते हैं। बट नाउ दिस इज़ फ्रेश स्नो, आई गेस सब लोग उतर चुके हैं इधर से, या फिर वो अब चलेंगे नहीं इधर से, जो भी है whatever। बट भाई क्या ही बोलें, क्या ही बोलें, क्या ही माहौल है। बस अब यहीं का बना के मत रख देना जाने का रास्ता दे देना 1-2 दिन में। टर्न्स पे 4 हाई में भी गाड़ी टेल आउट कर रही है ये जगहें ऐसी हैं, बहुत हाइट वगैरह है तो ज़्यादा मज़े के चक्कर में रिस्क नहीं ले सकते। बट या इट्स गोइंग गुड, गोइंग रियली गुड। रास्ता दिखता रहे बस, इशू है अगर इतनी ज़्यादा गिर गई या फिर ऐसा माहौल बन गया कि रास्ता नहीं दिखाई देगा, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि ले मनाली हाईवे पे क्यों मना किया गया होगा, क्योंकि वहाँ तो इतनी गिरी होगी कि भैया कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, और फिर गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी सड़क करी हो आपने पर फंस जाएगी वो, कई कई फीट बर्फ रहेगी तो मतलब एफर्ट बहुत हो जाएगा। फिर मैं अकेला हूँ, मान लो मैक्स ट्रैक्स भी लगाने हैं बार बार तो वो भी इशू है। देन हो सकता है स्नो लेपर्ड्स वगैरह का खतरा भी बढ़ जाए उस टाइम पे, क्योंकि आप अकेले हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। मान लो ऐसा माहौल रहे जैसा अभी बाहर है ये वाला, तो इट्स लाइक इट्स ड्राइवेबल, जो अभी अपने टायर्स हैं उन सेटअप पे इट्स क्वाइट ड्राइवेबल, कोई ऐसा कोई खास इशू नहीं आ रहा है। इस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विंड स्क्रीन को डिफ्रॉस्ट रखना और वाइपरों को ज़िंदा रखना। वैसे एक सेट मैं कैरी कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, इसी वजह से कई बार वाइपर टूट जाते हैं ज़्यादा स्नोफॉल में। अभी ऐसा मूसलाधार नहीं हो रहा है, तो अगर मैं सोमोरूरी पहुँच जाता हूँ तो उसके बाद में फिर हम वेट कर सकते हैं कि भाई बैड वेदर टल जाए तब उसके बाद में निकले, क्योंकि आई एम श्योर कि रात के बाद में रास्ते दिखेंगे नहीं कि कहाँ से आपको जाना है, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। बर्फ़ तो सब चीज़ को प्लेन कर देती है, तो आपको लगेगा रास्ता है, मे बी आप कहीं नीचे कूद जाओ, नोबडी नोस। मामला कुछ और ही है, अंदर और बाहर बराबर ही है, और अब वाइपर के ऊपर इतनी इतनी बर्फ़ जम गई है तो हो सकता है कि निकल के वाइपर भी क्लीन करने पड़े। अब यार वाइपर जम चुके हैं अपने और ढंग से क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बाहर निकल के एक बार हम लोग को क्लीन अप तो करना पड़ेगा। वाइपर क्लीन कर देते हैं, कीचड़ हो रखा है, ये देखो हालात वाइपर्स के।
फिर शूज पे चली गई यार, शूज कहीं पैरों को खराब ना कर दे। खराब मतलब समझ ही रहे होगे आप। और एक चक्कर और है, अब तो क्लीन कर दिए, जितने ज़्यादा स्वाइप्स ये मारेगा उतना जल्दी ये फिर से मतलब समझ रहे ना स्नो फिर से चिपकेगी। तो अब की बार थोड़ा स्लो चलाते हैं इसको भाई। शूज़ का तो भारी दुख हो रहा है मुझे, शूज़ नहीं भूल के आने चाहिए थे। ये कौन फंसे खड़े हैं? I think somebody stuck. चलो अभी निकाल देंगे, चिंता मत करो। चलो निकाल देंगे। Okay, oh, you're off track. You have to see the front tire is gone. Okay, just a second. Okay, आपका towing hook किधर है? Where is your tow? आगे भी है, पीछे भी है। No, this side, that side ना? Okay. बीस वाले में गले ये गांठ खोलनी पड़ेगी पहले तो। एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ट्रैक नहीं दिखाई दे रहा है ना कई जगह पे। हाँ ले जाइए। एक मिनट, चलो पहुंच गया। एक बार मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा क्योंकि मेरा शायद रोप लूज है। बस एक बार आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। पत्थर है कोई? पत्थर लगा देते हैं टायर के नीचे। पत्थर लगाना पड़ेगा यार। Boss, do we have a stone? ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है? मिल गया, एक तो मिल गया मुझे।
मिल गया मिल गया, ले आओ ले आओ ले आओ, आ जाओ। उधर वाले पिछले टायर पे लगा दो। चलो जी, बस हो गया। स्टॉप 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 स्टॉप। अब अंदर करवा देना, वैसे जैसे मैं बोल रहा था ना। ही इज आउट यार, थैंकफुली। डिस्कवरी इज आउट भाई। वही दिक्कत हुई, इनको रास्ता नहीं दिख रहा था ना, और फिर इनके टायर्स भी थोड़े से। इधर आ जाओ, वहीं छोड़ दो इसको, आ जाएगी वो धीरे धीरे। फॉर्चुनर गई, फॉर्चुनर इज गॉन, फॉर्चुनर इज गॉन। ओके 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 ओके। अच्छा 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 अच्छा। मैं आई वॉज डूइंग ले मनाली एक्चुअली, सो दे डिडंट अलाउ। लगा दो वहीं पे, थैंक यू वेरी मच भाई। डिस्कवरी हो तो गई है रिकवर, अब उसके बाद में पर अपनी जो यार विंडशील्ड है ना, वो स्नो चिपक गई उसको, और मेरे ऊपर तो आप देख ही रहे हो स्नो। Camera shows you the road. No, it's recording the experience. Yeah. Okay. No, I thought it was maybe connected. Walk karna padega. The only reason we got out was because of the winch that you had. Yeah, that's what the reason, you know, I got it fitted this year. Without the winch, nothing would have happened. I was also maybe, you know, spinning the tires there. You were. Yeah. We were watching. And then I realized that we were on the wrong track. So tell me something.
like you got stuck there, uh-huh. and you're stuck there, what happens? Nothing, I got the, I had the shovel as well. I was about okay. to take those out afterwards. Okay. Walk, see. आप देखते हो उसको आजमाते हो बाहर निकल के देयर वर 3-4 वेज टू गेट आउट अभी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जैसे बाहर से कोई बोलेगा टायर यहां पे करो एंड गो आउट सो ये वाला चक्कर था देन थोड़ा वॉक करके जगह देखो कि इट्स सेफ एंड देन जस्ट यू नो सेकंड गियर लो एंड आउट कार दैट इज गाइडिंग अस इज हैविंग प्रॉब्लम्स फाइंडिंग द रोड बट अदरवाइज बोथ द व्हीकल्स आर डूइंग फाइन So that's why I said let me go sit down with that guy. What an inspiration, what guts. I mean, I wish at your age I could have done this. We were too busy, you know, making ends meet. Seems like I'm too free. No, yeah, you're in the right track. So my dear friends, is experience ka koi price nahi hai yaar. Just look at it. Aaj yahan aane ki himmat na ki hoti to कहाँ से मिलता है यार ये जो आज देखने को मिल रहा है एंड थैंकफुली आई केम यार दोस गाइस वर रियली स्टक उन्होंने जब मुझे बताया मुझे लगा कि फंस गए हैं और चलो मैं निकाल देता हूँ बिकॉज आई हैव द सेटअप और बाद में मुझे पता लगा यार वो घंटों से फंसे हुए थे आई वाज सो ग्लैड कि मैंने ये ट्रैवल किया सो भाइयो दिस इज लेक सोमोरीरी समंदर है यार समंदर लेक कहाँ है ये देखो जिस तरह से सब इसका पानी किनारे पे आ रहा है एंड नहीं दिखाई दे रहा है ओहो सो आई कांट टेल यू यार आई कांट टेल यू व्हाट एक्सपीरियंस आई एम हैविंग टुडे इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मैं ऐसे ही आना चाहता था यहाँ पे ऐसे ही सो गुड क्लीन वाटर ज़बरदस्त ठंड चारों तरफ सफ़ेद चादर ओ गॉड व्हाट अ डे टू बी अलाइव बहुत बुरा फंसा था मैं बहुत बुरा फंसा था फिर मोमेंटम नहीं निकाला मैक्स ट्रैक्स को क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहे थे मैं रख के आता था फिर उसके बाद में वो शायद जगह बदल लेते थे क्या था जो भी था मामला बट ठीक है आएंगे काम जब इनका टाइम आएगा टेढ़े लग गए हैं वैसे